हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड। इस स्टॉक में देखिए तो लास्ट फ्राइडे के दिन 1 रुपए के करीब की गिरावट देखने को मिली है और ये स्टॉक 2% से भी ऊपर की सेलिंग प्रेशर दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो इस स्टॉक में पीछे के 1 सप्ताह में नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिलाएगा। 1 महीने में इस स्टॉक में 12.5% के करीब की रैली देखने को मिल रही है। 3 महीने में पॉजिटिव ट्रेंड और 6 महीने में देखें तो इस स्टॉक में 17% से भी ऊपर की रैली देखने को मिली है, परंतु 1 साल में इस स्टॉक में ऑलमोस्ट 4% के करीब की गिरावट देखने को मिली है। तो अगर हम देखें तो 6 महीने में तो एक अच्छी तेजी देखने को मिली है, परंतु 1 साल में देखें तो इस स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहेगा, जहां पर स्टॉक का एक हाई बॉटम बनता हुआ नजर आया 43 रुपीज। 43 रुपीज का इस स्टॉक में एक हाई बॉटम बनता हुआ नजर आया और इस स्टॉक का देखिए तो नीचे के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल आएगा अराउंड 30 रुपीज। 30 रुपीज इस स्टॉक में नीचे के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां से इस स्टॉक में 2 बार सेम प्राइस से इस स्टॉक में ऊपरी लेवल पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल रही है। तो अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए पोजिशन बनाना चाहते हैं तो अराउंड 35 रुपीज के एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के लॉन्ग टर्म टारगेट 43 रुपीज तक के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। इस स्टॉक में ऊपरी लेवल पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, इसलिए एक स्टॉप लॉस के साथ ही पोजीशन बनाएं, वहां पर एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।